हेलो स्टूडेंट्स, इनपीडीक्यू प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के सेशन में स्टैक क्यू और रिकर्शन देखेंगे। हम लोग देखेंगे कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस जो स्टैक क्यू और रिकर्शन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं इनपीडीक्यू के एग्जाम में, और हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के इनपीडीक्यू में पूछे गए हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक क्यू है और उस क्यू में आपको इंसर्शंस करने हैं, और इंसर्शन करने के बाद डिलीशंस करने हैं, और डिलीशन करने के बाद रिजल्ट्स आपको शो करना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर एन की वैल्यू 0 है तो आपको 1 रिटर्न करना है, लेकिन अगर एन की वैल्यू 0 नहीं है तो उस केस में आपको स्टैक में कुछ इंजर्ट करना है, एन क्यू करना है। एन क्यू मतलब स्टैक क्यू में, सॉरी क्यू की बात हम करें यहाँ पे, तो क्यू में आपको इंजर्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये किया गया है कि इस फंक्शन में, फन फंक्शन में एक एन साइज का क्यू क्रिएट किया गया है जहाँ पे एन यूजर इनपुट है। फिर ये कहा जा रहा है कि 1 से लेके एन तक आपको एक लूप चलाना है और क्यू में आई इंटू आई इंजर्ट करना है। इनिशियली यहाँ पे ये कहा गया है कि एन की वैल्यू 4 है, तो एन की वैल्यू यहाँ 4 पास हुआ है फन के फंक्शन में। हमने 4 साइज का एक क्यू क्रिएट किया है और उस क्यू को क्रिएट करने के बाद इसमें कुछ वैल्यूज हम इंसर्ट करेंगे। तो जब आई की वैल्यू 1 है तो क्यू में इंसर्शन हो रहा है 1 इंटू 1 मतलब 1 का। आई की वैल्यू जब 2 होती है इसी लूप में तो हम 2 इंटू 2 4 इंसर्ट करेंगे क्यू में, और जब आई की वैल्यू 3 होगी तो हम 3 इंटू 3 9 इंसर्ट करेंगे। जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो हम 4 इंटू 4 16 इंसर्ट कर देंगे क्यू में। तो यहाँ पे मेरा रेयर एंड है और यहाँ पे फ्रंट है, ये मेरा क्यू है। ये जब लूप फिनिश हो रहा है तो उसके बाद हम एक टेम्प ले रहे हैं, टेम्पररी वेरिएबल, जिसकी वैल्यू 1 इनिशलाइज कर देते हैं। एंड उसके बाद जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक क्यू से एक एक एलिमेंट को हम डिलीट करेंगे और उसको टेम्प में ऐड कर देंगे। सो टेम्प प्लस इक्वल्स टू का मतलब है टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प प्लस जो भी आइटम हम डिलीट करेंगे क्यू से। तो क्यू से सबसे पहले 1 डिलीट होगा तो टेम्प में 1+1 हो जाएगा। फिर क्यू से 4 डिलीट होगा, टेम्प की वैल्यू 2 होगी उसमें 4 ऐड हो जाएगा। फिर क्यू से 9 डिलीट होगा और टेम की प्रीवियस वैल्यू में 9 ऐड हो जाएगा। फिर टेम से 16 डिलीट होगा और टेम की प्रीवियस वैल्यू में ये ऐड हो जाएगा। सो दिस इज 16 प्लस 9 25 प्लस 6 31, और हम इस 31 को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इस क्वेश्चन का क्या रिटर्न होगा, सो दैट इज 31। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन शायद किसी ईयर में इनफिडीक्यू में पूछा भी गया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि हमने एक इनपुट स्टैक क्रिएट किया है और उस इनपुट स्टैक का जो साइज है वो 5 है इनिशियली, और इसमें जो हम पुश कर रहे हैं सबसे पहले इंडिया पुश कर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग वाला स्टैक है। एंड देन हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, हम ऑस्ट्रेलिया को इंसर्ट कर देते हैं। एंड देन उसके बाद इंग्लैंड है, हम इंग्लैंड को इंसर्ट कर देते हैं, और उसके बाद फाइनली हम साउथ अफ्रीका को इसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो ये मेरा इनपुट स्टैक है, और उसके बाद इसी से हम एक आउटपुट स्टैक बनाएंगे, और ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में हमारा आउटपुट स्टैक बनेगा। तो हमें ये बताना है कि आउटपुट स्टैक के कंटेंट में क्या होगा। तो हमने एक आउटपुट स्टैक बनाया जिसका साइज 5 है, उसके बाद फिर काउंट ले लिया, उसको 0 से इनिशलाइज कर दिया, और जब तक मेरा इनपुट स्टैक एम्प्टी नहीं है तब तक हम इनपुट स्टैक से एक एक एलिमेंट पॉप करेंगे और उसको टेम्प में ले लेंगे। ओके, तो जैसे अगर हम फर्स्ट आइटम अगर इस इनपुट स्टैक से पॉप करें तो साउथ अफ्रीका हमको मिलेगा, और साउथ अफ्रीका की जो लेंथ है वो है 5+6=11। तो हमने क्या किया कि फॉर आई इन टेम्प काउंट को हमें अपडेट करना है, इंक्रीमेंट करना है। इसका मतलब क्या है कि ये जो टेम्प है वो मेरा एक स्ट्रिंग है और आई हम इसमें आइटरेट करा देते हैं, तो एक एक स्टेप पे आइटरेट करेगा, हर कैरेक्टर पे जाएगा, तो 11 डिफरेंट कैरेक्टर्स पे जाएगा और फाइनली टेम की वैल्यू, सॉरी काउंट की जो वैल्यू हमारी है वो 11 हो जाएगी। काउंट को हमने 0 से इनिशलाइज किया था, ये देख सकते हैं हम। फिर हमने क्या किया कि आउटपुट स्टैक में पुश करना है, क्या पुश करना है, ये जो काउंट है उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है। तो 11 जो हमारा काउंट है उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और टेम्प पे मेरा साउथ अफ्रीका है उसको भी, वो तो स्ट्रिंग में ही है, प्लस का साइन बीच में लगा, इसका मतलब मुझे इन दोनों को कॉन्केटिनेट करना है। तो वी हैव 11 साउथ अफ्रीका जिसको मुझे आउटपुट स्टैक में पुश कर देना है। सो दिस इज माई आउटपुट स्टैक जिसमें पहला आइटम आ गया है।
सिमिलरली अभी हमारे पास इनपुट स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो हम इनपुट स्टैक से फिर से एक एलिमेंट निकालेंगे और इंग्लैंड निकलेगा। इंग्लैंड का जो लेंथ है वो 7 है, तो 7 टाइम्स ये वाला लूप चलेगा और काउंट की वैल्यू फर्दर अपडेट हो जाएगी। पहले वो 11 थी, अब 11 में फिर से इंक्रीमेंट हो रहा है, 7 इंक्रीमेंट और हो जाएंगे, 18 हो जाएगा। और आउटपुट स्टैक में हम क्या करेंगे, 18 को स्ट्रिंग बना के और इंग्लैंड के साथ उसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे। सो 18 इंग्लैंड इज द नेक्स्ट आइटम विच इज गेटिंग इंसर्टेड इन द आउटपुट स्टैक। देन इसके बाद अगेन स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो हम इसमें से एक और आइटम निकालेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया इसमें से निकलेगा। ऑस्ट्रेलिया की जो लेंथ है वो 9 है, जिसका मतलब कि ये जो फॉर लूप है वो 9 टाइम आइटरेट करेगा। काउंट की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 18 से 27। 27 को स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट कर लेंगे और इसको ऑस्ट्रेलिया के साथ कॉन्कैटिनेट कर देंगे और इसी को हम स्टैक में पुश कर देंगे, आउटपुट स्टैक में पुश कर देंगे। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक बार फिर से स्टैक से एक आइटम निकालते हैं इंडिया। इंडिया का जो लेंथ है वो 5 है, तो 5 टाइम्स हम इस लूप को, फॉर लूप को आइटरेट करते हैं। काउंट की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 27 प्लस 5 मतलब 32, और इस 32 को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और इंडिया के साथ कॉन्कैटिनेट कर देंगे और इसी को आउटपुट स्टैक में पुश कर देंगे। फाइनली हमें क्या करना है, आउटपुट स्टैक को रिटर्न करना है। तो आउटपुट स्टैक में हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट स्टैक में जो एलिमेंट्स होंगे लास्ट में, देखिए हम प्रोसेस के थ्रू इनपुट स्टैक, सॉरी ये जो आउटपुट स्टैक है उसको हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं। तो दिस इज 32 इंडिया सबसे पहले आएगा, देन 27 ऑस्ट्रेलिया, देन 18 इंग्लैंड एंड फाइनली 11 साउथ अफ्रीका। टॉप से बॉटम की तरफ हम प्रिंटिंग करेंगे, इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये प्रोसेस एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें। तो एक फन फंक्शन है जिसमें एन वैल्यू पास्ट है, एक हमने स्टैक डिक्लेयर कर लिया और जब तक ये नंबर ग्रेटर देन जीरो है तब तक हम एन मॉड्यूलस टू इसमें पुश कर रहे हैं और फिर एन इक्वल्स टू एन बाई टू कर दे रहे हैं। ये एन इसी लूप के अंदर ही है, इसको बाहर मत मानिएगा, थोड़ा सा इंडेंटेशन एरर है इसमें। सो हमने मान लिया कि इसके अंदर ही है। तो लेट्स से हमारे पास एक नंबर है, वो नंबर है मेरे पास, लेट्स से 6 नंबर है मेरे पास। तो 6 ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने क्या किया, 6 मॉड्यूलस 2 किया, इसकी वैल्यू 0 आई, मैंने 0 को पुश कर लिया स्टैक में। फिर इसका 6 डिवाइड बाई 2 मैंने किया, इससे इसकी वैल्यू 3 हो गई। और अभी n 0 नहीं हुआ है, तो हमने एक बार फिर से यही का टास्क किया, 3 मॉड्यूलस 2 किया, इसका आंसर 1 आया जिसको मैंने स्टैक में पुश कर लिया। फिर 3 डिवाइड बाई 2 किया जिसका आंसर भी 1 आएगा क्योंकि ये इंटीजर बाई इंटीजर डिवीजन है। फिर इसके बाद 1 मॉड्यूलस 2 करेंगे, इसका आंसर 1 आएगा, इसको हम स्टैक में पुश कर देते हैं। और फिर उसके बाद 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और फाइनली हमने क्या करना है, जब क्योंकि n की वैल्यू 0 हो गई है इसलिए स्टैक को बार बार पॉप करना जब तक कि स्टैक का साइज 0 ना हो जाए। तो पॉप हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, पहले ये वाला 1, फिर ये वाला 1 और ये वाला 0। तो ये जो 110 है वो 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। एक्चुअली आप बाइनरी इसी तरह से फाइंड करते हैं कि आप सबसे पहले रिमाइंडर्स फाइंड करते हैं और रिमाइंडर्स को लिख लेते हैं आप, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, जब तक नंबर 0 ना हो जाए। एंड फिर इन्हीं रिमाइंडर्स को आप उल्टा या फिर बॉटम अप अप्रोच में प्रिंट कर देते थे। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इस रिमाइंडर्स को स्टैक पर स्टोर कर लिया, तो ऑटोमेटिकली वो बॉटम अप अप्रोच में हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट कि ये जो फंक्शन है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन प्रिंट करता है किसी गिवन नंबर का। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जिसमें एक स्ट्रिंग अखिलेश पास्ट है और हमें क्या करना है कि बताना है कि ये फंक्शन क्या करता है। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं मेरे स्ट्रिंग में हमने उसको पुश कर दिया है स्टैक पे। तो हमने सबसे पहले एक स्टैक लिया और उसमें पुश हम करेंगे जितने भी कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के होंगे, और पुश करने के बाद जब तक स्टैक की लेंथ 0 ना हो जाए हम पॉप करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। तो अगर हम अखिलेश स्ट्रिंग हमने इसको पिक किया है, तो एक एम्प्टी स्टैक के साथ अगर हम स्टार्ट करें तो पहले ए पुश होगा, फिर के, फिर एच, फिर आई, फिर एल, फिर ई, फिर एस और फिर एच। फिर हम पॉप करेंगे वन बाय वन जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। तो सबसे पहले एच मिलेगा, फिर एस मिलेगा, फिर ई मिलेगा, फिर एल मिलेगा, फिर आई मिलेगा, फिर एच मिलेगा, फिर के मिलेगा और फाइनली मेरे पास कैपिटल ले जाएगा। तो ये स्ट्रिंग को रिवर्स कर दे रहा है, तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये रिकर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ये क्या किया गया है कि इस फंक्शन को कॉल किया गया है 4, 7 के साथ, एंड देन जो भी आ रही वैल्यू उसको प्रिंट हम कर देंगे। तो टेस्ट फंक्शन में इनिशियली 4 और 7 पास है, तो लेट्स से हमने 4 और 7 पास किया इसमें टेस्ट फंक्शन में। इसमें फर्स्ट वैल्यू चेक करें, वो 0 नहीं है, तो हम इस वाले प्रोसेस पे आ रहे हैं और यहाँ पे कॉल किया जा रहा है फंक्शन टेस्ट आई माइनस वन और आई प्लस जे। सो आई माइनस वन मतलब टेस्ट की वैल्यू हो गई 3, और आई प्लस जे का मतलब हो गया टेस्ट की वैल्यू हो गई 11, 7 प्लस 4 11। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन को कॉल किया और जो फंक्शन है उसी से उसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लिया, पहली वैल्यू को रिड्यूस कर दिया 1 और दूसरी वैल्यू और पहली वैल्यू को ऐड कर दिया। सो 3 और 11 के साथ हम फिर से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और पहली वैल्यू को ये चेक किया जा रहा है बेस कंडीशन में, लेकिन बेस कंडीशन अभी सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि आई की वैल्यू 0 होगी तभी बेस कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। हमने फिर से इस फंक्शन को कॉल किया यहाँ से आई माइनस वन मतलब 2 और आई प्लस जे का मतलब हो जाएगा 14। देन अगेन हमने इस फंक्शन को कॉल किया क्योंकि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14 है, बेस कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो अगेन हम फिर से फंक्शन को कॉल कर लेंगे। सो दिस विल बी टेस्ट आई माइनस वन और आई प्लस जे। आई की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि अगेन एक बार एक फंक्शन ये रिकर्सिव कॉल हो जाएगी। सो टेस्ट आई माइनस वन और आई प्लस जे, इस केस में आई की वैल्यू 0, इसका मतलब ये बेस कंडीशन अपीयर होता है। बेस कंडीशन अगर अपीयर होगा तो हम रिटर्न जे कर देंगे, मतलब कि 17 हमारा रिटर्न हो जाएगा। सो 17 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या आउटपुट होगा इसका। इसमें हमने एक स्टैक बनाया और 1 से लेके 5 तक आइटम्स को स्टैक पे पुश कर दिया। सो वी हैव ए स्टैक और उसमें 1, 2, 3, 4, 5 इन वैल्यूज को हमने पुश किया। फिर इसके बाद हमने एक S2 स्टैक बनाया, ये हमारा S1 स्टैक था। फिर हमने S2 स्टैक एक बना लिया है, यहाँ पे C की वैल्यू 3 है और जब तक C ट्रू है तब तक हम क्या करेंगे, S2 में पुश करेंगे S1 से पॉप करके एक वैल्यू। तो हम जब S1 से पॉप करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी 5, तो S2 में हम पुश कर देंगे तो S1 से ये निकल गया और S2 में आ गया। फिर सी की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया, तो सी की इनिशियल वैल्यू 3 थी, अब सी की वैल्यू 2 हो गई है। तो सी की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब इसको ट्रू ही माना जाएगा, सी तब फॉल्स माना जाएगा जबकि सी की वैल्यू 0 हो जाए। आपको भी पता होगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज का इवैल्यूएशन ट्रू होता है और केवल 0 का इवैल्यूएशन फॉल्स होता है। तो जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम इस लूप को चलाते रहेंगे। तो अब मेरे पास स्टैक में एक वैल्यू फिर से पॉप करनी है 4, और इसको इंसर्ट करना है S2 में। सी की वैल्यू अब 1 हो गई, फिर से लूप चलेगा, पॉप करेंगे यहाँ से वैल्यू 3 मिलेगा यहाँ से, और 3 को पुश कर देंगे स्टैक पे, S2 स्टैक पे पुश कर देंगे और सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब सी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये लूप नहीं चलेगा, क्रॉस कर देंगे इसको, अब ये इस लूप नहीं चलने वाला है। अब क्या करते हैं, S1 और S2 के टॉप को प्रिंट करते हैं। S1 का टॉप है 2 और S2 का टॉप है 3। सो 2 और 3 मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि विच डाटा स्ट्रक्चर, व्हाट डाटा स्ट्रक्चर यू मस्ट बी यूजिंग फॉर कन्वर्जन ऑफ द नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम टू द नॉन रिकर्सिव। एक्चुअली इंटरप्रिटेशन यही है, भले ही इसकी लैंग्वेज कुछ भी लिखी हो, कि हमारे पास एक रिकर्सिव प्रोग्राम है, अगर उसको हमें नॉन रिकर्सिव में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें स्टैक की जरूरत पड़ेगी। कि आपको भी पता होगा कि रिकर्शन जो है हमारा वो एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि बैकग्राउंड में एक कॉल स्टैक यूज होता है, तो उन कॉल स्टैक्स को या कॉल्स को मैनेज करने के लिए हमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ सकती है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक स्टैक है जिसमें कि 5 एलिमेंट है, टॉप से बॉटम, बॉटम तक ये एलिमेंट है, इसका मतलब कि यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 2 है। इस क्वेश्चन को वैसे आप एप्टीट्यूड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो स्टैक 1 मतलब जिसमें ये आइटम है, दिस इज द स्टैक 1, और इसके बाद हमें एक स्टैक 2 है जिसका नाम S1 है। तो जब तक स्टैक वन में एलिमेंट्स हैं तब तक हम क्या करते हैं कि उन एलिमेंट्स को पॉप कर रहे हैं और S1 स्टैक में पुश कर रहे हैं। तो यहाँ से देखते हैं इस कोड को,
सबसे पहले हमने एक स्टैक वन क्रिएट कर लिया फाइव साइज का, ये स्टैक वन है और ये एस वन है। तो इस एस वन को हमने फंक्शन के अंदर क्रिएट किया और ये स्टैक वन जो वो पास्ट है। जब तक स्टैक वन एम्प्टी नहीं हो जा रहा तब तक क्या कर रहे हैं, हम स्टैक वन को पॉप कर रहे हैं और दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके एस वन में पुश कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें कि आपने कितनी बार स्टैक वन को पॉप किया है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार, क्योंकि आपने 6 टाइम्स इसको पॉप किया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपके स्टैक में 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स थे। तो जब आप 5 टाइम्स पॉप करेंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप 6 टाइम पॉप करेंगे आपका अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। अंडरफ्लो हमारा एक एक्सेप्शन है जिसको हम ये कह सकते हैं कि दिस इज दी रन टाइम एरर। सो इसको आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रन टाइम एरर है। इसको हमने इसीलिए सॉल्व करने की कोशिश नहीं की अदर वे, जस्ट क्योंकि ये दिख रहा है कि इसमें स्टैक को हमने कई बार पॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा यह गया है कि हमारे पास एक क्यू है वन, जो कि साइज है जिसकी 3, और दूसरा क्यू है जिसकी भी साइज है 3। तो माई क्यू वन एंड माई क्यू टू इस टाइप इस नाम के मेरे दो क्यूज हैं, मान लेते हैं इनका नाम है क्यू वन एंड क्यू टू। मैंने शॉर्टकट में मान लिया, हालांकि इसका नाम माई क्यू वन और माई क्यू टू है, माई अंडर स्कोर क्यू वन एंड माई अंडर स्कोर क्यू टू। तो 3-3 साइज के ये क्यूज हैं। फिर हमने क्या किया कि फॉर वैल्यू इन रेंज 0 to 3, इसका मतलब कि 0 से लेकर 2 तक मुझे क्या करना है कि वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ 3 ये हम इंसर्ट कर रहे हैं Q1 में। तो वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा और 0 × 3 Q1 में इंसर्ट हो जाएगा, फिर 1 × 3 इंसर्ट हो जाएगा और फिर 2 × 3 Q1 में इंसर्ट हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया। अब इसके बाद हम फिर से वैल्यू इन रेंज 0 से 3 फिर से इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। अगर वैल्यू की वैल्यू 2 होगी तो लूप को ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज माई क्यू वन से डिलीट करेंगे और उस डिलीटेड एलिमेंट को क्यू टू में इंसर्ट कर देंगे। तो जब वैल्यू की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 यहाँ से पॉप करके या डिलीट करके क्यू टू में इंसर्ट कर देंगे। जब वैल्यू की वैल्यू 1 होगी तो इसको डिलीट करके इसमें इंसर्ट कर देंगे, और जब वैल्यू की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये कंडीशन आ जाएगी जिससे कि हमें लूप को ब्रेक करना होगा, इसका मतलब ये फॉर लूप फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि माई क्यू टू में एन क्यू कर रहे हैं 12, तो क्यू टू में हम 12 को इंसर्ट कर रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि क्यू वन और क्यू टू की क्या वैल्यूज होंगी। तो आपको दिख रहा है कि क्यू वन में केवल 6 डेटा आइटम रह गया है और क्यू टू में है 0, 3 एंड 12, तो ये मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए की वैल्यू -10 है, बी की वैल्यू -200, सी की वैल्यू 2000 और डी की वैल्यू 4000। तो यहाँ पे ए इंटू बी अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू डी है तो ए इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे है -10 और विथ -200 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस वैल्यू विल बी 2000। सो 2000 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4000 तो बिल्कुल नहीं है, तो चूंकि ये नहीं है तो एल्स में हम आते हैं। एल्स ये है पार्ट हमारा। एल्स में एक कंडीशन और चेक हो रही है कि अगर बी बाई ए इज ग्रेटर देन 0, सो बी बाई ग्रे ए इज ग्रेटर देन 0 मतलब -200 डिवाइड बाई -10 हम कर रहे हैं, तो दिस इसकी वैल्यू 20 है, ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 0 है। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या ए लेस देन बी है या डी मॉड्यूलस सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए लेस देन बी -10 क्या लेस देन -200 है? नहीं, एक्चुअली -10 ग्रेटर है, नेगेटिव वैल्यू में छोटी वैल्यू बड़ी होती है ना। अच्छा, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। दूसरी कंडीशन है डी मॉड्यूलस सी नॉट इक्वल टू 0, तो 4000 मॉड्यूलस 2000 ये 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो हमें क्या प्रिंट करना है, 44 प्रिंट करना है। ओके, सो हमारा 44 प्रिंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास जो क्यू है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, फ्रंट से लेकर रेयर तक हमारे पास ये एलिमेंट हैं ए बी सी
डी ई और एफ है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह हमें चेक करना है इसमें क्यू में यह चेक फंक्शन है इसको जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं। एक हमने स्टैक ले लिया है और जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक हम क्यू से एक एलिमेंट को डिलीट करके स्टैक में पुश कर रहे हैं। तो मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को हमें काम करते हैं कि इसमें से डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद इस स्टैक में पुश कर लेंगे। तो एक हमने स्टैक बनाया है और क्यू हमें गिवन है, और यहाँ ये कहा जा रहा है कि वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, तो क्यू से एक एलिमेंट को डिलीट करना और स्टैक को पुश करना है। तो क्यू से जब हमने एक एलिमेंट को डिलीट किया तो एफ निकला, उसको हमने स्टैक पर पुश कर लिया। ओके, और एक एलिमेंट को डिलीट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि स्टैक से एक बार फिर से डी क्यू कर रहे हैं लेकिन उसको इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक डिलीशन हो रहा है ए का और उसको हम इंसर्ट कर रहे हैं क्यू पे, और फिर उसके बाद फिर दूसरा डिलीशन बी का हो रहा है लेकिन उसको हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट डिलीशन सी का हो रहा है जिसको हम इंसर्ट कर दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट डिलीशन डी का जिसको हम इंसर्ट नहीं कर रहे, नेक्स्ट डिलीशन है ई का हम इंसर्ट कर रहे हैं, और नेक्स्ट डिलीशन है एफ का जिसको हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। तो फिर आपको ये क्या करना है कि जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए आपको इसमें से एलिमेंट को पॉप करना है और क्यू में इंसर्ट करना है। तो हमने सबसे पहले ई को इंसर्ट किया और फिर उसके बाद फिर ए सी को इंसर्ट किया क्यू में, एंड देन उसके बाद ए को इंसर्ट किया। तो आपसे ही पूछा जा रहा है कि जो आपका क्यू है उसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे फ्रंट से लेकर रेयर तक। सो ई सी ए विल बी द आंसर। ओके, तो पहले मेरे पास ये क्यू था जिसमें कि 6 एलिमेंट्स थे, तो उन सभी को हमने एक एक करके डिलीट किया और एक एक करके डिलीट करने के बाद स्टैक में इंसर्ट कर दिया। जब मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया तो मेरा जो क्यू है उसमें एलिमेंट जीरो हो गए। फिर स्टैक से एक एक करके पॉप किया एलिमेंट और इसी क्यू में इंसर्ट कर दिया, क्योंकि क्यू एम्प्टी हो गया था तो अब इसके पास एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है। तो जो भी एलिमेंट हम स्टैक से निकाल कर डालेंगे क्यू में वही इसमें देखेंगे। तो पहले ई आया, देन सी आया, देन ए आया। तो फ्रंट से लेके रेयर तक जो एलिमेंट्स हैं वो ई सी ए हैं, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है।